हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम। सी नंबर सिस्टम का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करते हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगी सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स हाउ कैन यू ऐड। सी अभी हमने स्क्वायर्स भी करे थे, नेचुरल नंबर्स भी करे थे लास्ट के अपने वीडियोस में, बट अगर हम बात करें यहाँ पे सम ऑफ क्यूब्स, यानी कि अगर किसी की पावर आपको क्यूब में दे रखी है, यानी कि 3 दे रखी है, हाउ कैन यू एड ऑल द नेचुरल नंबर्स, जितने आपको दे रखे होंगे तो आप कैसे एड करेंगे। देखिए फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ, सिंपल आपको क्या करना है, n मल्टीप्लाई n प्लस 1 एंड अपॉन में 2 एंड देन यू हैव टू स्क्वायर एंड दैट्स इट। आपको सिर्फ यही करना है। देखिए सोल्यूशन में आपको क्या करना है, आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जो n है आपकी वैल्यू वो क्या होगी, n होगा आपका लास्ट का नंबर 6। और इस क्वेश्चन के अंदर मैं आपको 3 शॉर्ट ट्रिक्स ऑफ वैदिक मैथ्स बताऊंगी कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वैदिक मैथ्स यूज होता है ये सबको पता है, बट हाउ विल यू इम्प्लीमेंट अलोंग विद दिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्वेश्चंस, आई एम टीचिंग यू हाउ कैन यू यूज वैदिक मैथ्स ट्रिक्स अलोंग विद दिस। सी कैलकुलेशंस में बहुत ही ज्यादा एक्यूरेसी मेंटेन करेगा आपका वैदिक मैथ्स। अब आपने n की वैल्यू 6 ले ली है, जहां तक भी आपको निकालना होता है उसी नंबर को आप यहाँ पर नेचुरल नंबर यानी कि n लेकर चलते हैं। सिंपल मैं यहाँ पर फॉर्मूला पुट करूंगी और आंसर आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई 6 प्लस 1 यानी कि 6 प्लस 1 एंड अपॉन में 2 एंड इसकी पावर हो जाएगी यहाँ पे स्क्वायर। तो अब आप देख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई बाय 7 एंड अपॉन में 2 और उसका पावर हो जाएगा स्क्वायर। सिंपल आप इसको कट करेंगे और उसके बाद 3 सेवन हो जाएगा आपका यहाँ पे 21। 21 का स्क्वायर होता है 441, जो मुझे याद है, लेकिन इसको निकालने का एक आसान तरीका सीखते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में। 3 ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स ऑफ वैदिक मैथ्स इस स्क्वायरिंग के लिए जो कि आप किसी भी नंबर पर ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स नाउ देखिए क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग है और क्वेश्चन के साथ जो वैदिक मैथ्स की ट्रिक्स है वो भी इंटरेस्टिंग होगी। देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 10th नेचुरल नंबर, मीन्स यानी कि आपको यहाँ पर 10 तक के नेचुरल नंबर्स का क्यूब निकालना है। तो देखिए सोल्यूशन में आपको करते हैं, आपको कुछ ऑप्शंस भी यहाँ दे रखे हैं, ठीक है। अब फाइंड आउट करते हैं, देखिए क्वेश्चन कैसे करना है। सिंपल है, आपको पता है कि 10 आपको लेना है एंड मल्टीप्लाई 10 प्लस 1 विच इज आपका हो जाएगा यहाँ पे 11 अपॉन में 2, ठीक है, इसका हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर। तो सिंपल हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 11 अपॉन में 2 का स्क्वायर, विच इज वेरी सिंपल, 2 1 2 1 2 5 सो आपका आ गया 55 का स्क्वायर। अब देखिए 55 को 55 से मल्टीप्लाई करना मे बी शायद आपके लिए सो मेनी इंटरमीडिएटरी स्टेप्स जो कैलकुलेशन में होता है आप कर पाए, बट मैं आपको 3 तरीके बता रही हूँ वैदिक मैथ्स के। देखिए फर्स्ट 55 व्हेनेवर जब भी आप देखिए वंस की प्लेस में 5 आता है तो बहुत इजी है स्क्वायरिंग नंबर्स एंडिंग विद 5, जो वैदिक मैथ्स में मैंने ट्रिक डाल रखे, मैं आपको आई बटन में उसका लिंक दे दूंगी। देखिए 55 को 55 से मल्टीप्लाई करना हो तो जब भी स्क्वायरिंग नंबर्स एंडिंग विद 5 होता है बिना सोचे समझे 25 आप जस्ट लास्ट में लिख दीजिए, यानी कि पुट दी 25 बिहाइंड ईच आंसर, ओके। और फिर आपको क्या करना है, नेक्स्ट नंबर ऑफ 5 विल बी 6 और 6 को 5 से मल्टीप्लाई करना यानी कि 30। सी 3025 विल बी द आंसर। अगर आप कहें कि मान लीजिए आपका वंस का प्लेस 5 नहीं है, कोई और डिजिट है, तो आप उसको किस तरीके से करेंगे, मैं आपको इसी नंबर पे करके दिखा रही हूँ एक और ट्रिक जो कि होती है क्रिस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट। देखिए 55 को अगर आपको 55 से मल्टीप्लाई करना है तो सिंपल पहले आप 5 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए विच इज 25, 2 इसका कैरी ओवर हो जाएगा, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लीजिए और ऐड कर लीजिए 5 5 से 25 5 5 से 25, टोटल 50 हो गया और 2 ऐड कर लीजिए 52 का 5 कैरी ओवर। फिर आपको दोबारा से लास्ट वाले 2 डिजिट को मल्टीप्लाई करना है वर्टिकली 5 5 से 25 में 5 को ऐड कर दीजिए तो आपका आंसर आ गया 3025। ये आप किसी भी रैंडम नंबर्स पे किसी भी तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलिए मैं आपको एक और ट्रिक बताती हूँ जो कि किसी भी नंबर का स्क्वायर करना तो बहुत इजी है।
अगर मैं बात करूं यहाँ पे 55 के स्क्वायर की ही, तो आपको कैसे करना है, सिंपल आप 5 का स्क्वायर कीजिए 25, फिर अगेन आप यहाँ पे यहाँ के 5 का स्क्वायर कीजिए विच इज 25, 5 को 5 से एंड देन 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 5 से हो जाएगा 25, 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका होगा 50, तो यहाँ आप क्रॉस लगाते हैं एंड देन 0 एंड 5 50 को लेकर ऐड कर लीजिए, तो देखिए 5 2 10 का यहाँ 3 एंड 3025, इन 3 ऑफ केसेस यू विल गेट द सेम आंसर एंड इन जस्ट अ वन लाइन विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स. This is the Vedic maths, how you can implement in your calculations. अपने competitive exams के questions के time अगर Vedic maths को use नहीं किया calculations के time, तो Vedic maths सीखना भी बेकार है और competitive exams की तैयारी करना सिर्फ इन short trick के बेस पर उसका भी ज्यादा महत्व नहीं रहता. तो देखिए 3025 option में काम पर है, option है 3025 will be the right answer. I hope कि आपको ये video अच्छी लगी होगी. अगर अच्छी लगे तो like and subscribe कर सकते हैं for more videos in future. एंड मिलेंगे एक और नई ट्रिक के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय एंड स्टे हेल्दी.